नमस्कार, वक्त था इलाट का, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी अपडेट दे दें। बाराबंकी में आरटीओ ने अयोध्या में सेंट्रल मेडिकल गैस पाइपलाइन की सामग्री पहुंचाने जा रही डीसीएम को रोक दिया और ड्राइवर के ऑक्सीजन पाइपलाइन के काम से जाने की बात कहने पर आरटीओ ने कहा कि ऑक्सीजन पाइपलाइन से ज्यादा पंचायत चुनाव जरूरी है। और जब इस मामले में कंपनी के अधिकारियों ने बाराबंकी के डीएम से फोन पर बात की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और अब ऑक्सीजन पाइपलाइन सामग्री की सप्लाई करने वाली कंपनी ने मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की है। हालात ये हैं, ये देखिए आप प्रशासन कैसे काम कर रहा है। आरटीओ ने गैस पाइपलाइन के डीसीएम को रोक दिया उसकी और कहा कि पंचायत चुनाव जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन का आदेश था कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है तो उसका 1,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। दूसरी बार गलती करने पर 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। मामला देवरिया से है। यहां पर पुलिस मास्क चेकिंग के दौरान कल अमरजीत यादव नाम के व्यक्ति का मास्क का प्रयोग नहीं किए जाने पर 1,000 रुपए का चालान किया। पुनः अमरजीत यादव व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया गया और 10,000 रुपए का अबकी बार चालान किया गया। ये देखिए आप, शासन के आदेश को देवरिया में ऐसे अमल में लाया गया है।